वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैटेगरीज ऑफ पीपीईज। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बात कर लेता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ देखिए। मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ वापस। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट इज पीपीई वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। आ जाते हैं टॉपिक की तरफ वापस। कैटेगरीज ऑफ पीपीईज। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द हैजार्ड्स द पीपीईज आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में उसको बांटा गया है। सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी पीपीईज, दूसरे नंबर पे आता है नॉन रेस्पिरेटरी पीपीईज। अब रेस्पिरेटरी पीपीईज क्या होता है उस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपीई है जो प्रोटेक्ट करता है जिसने उसे पहना हुआ है, यानी इनर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वेयरर अगेंस्ट द इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी हार्मफुल सब्सटेंस जो हम अंदर इनहेल कर लेंगे उस चीज से बचाता है, जैसे कि टॉक्सिक गैस हो गया और कंटेमिनेटेड एयर हो गया। ये सारी चीज से वर्कप्लेस के एनवायरनमेंट में जब ये होता है, वर्कप्लेस एयर में होता है, तो उससे हम लोग इनहेल करेंगे तो हमें उसका इफेक्ट होगा, हमें प्रॉब्लम होगा, तो उससे बचाता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेटरी पीपीई के बारे में। सबसे पहला आता है स्काबा, दूसरे नंबर पे आता है डस्क मास्क, तीसरे नंबर पे आता है केमिकल मास्क, एंटी पॉल्यूशन मास्क, और जैसे कैलिस्टर रेस्पिरेटर फुल फेस मास्क, उसी का हाफ फेस मास्क भी आता है कैलिस्टर रेस्पिरेटर का, और फिर टी प्यूरिफाइंग मास्क भी आता है। तो ये सारे इसके एग्जांपल होते हैं रेस्पिरेटरी पीपीई। अब अगर बात करेंगे नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई के बारे में, तो ये नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई उसे कहते हैं जो कि हमारे आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी की हिफाजत करता है इंजुरी से या इलनेस से। इंजुरी जैसे मैं हेलमेट नहीं पहना हूँ, अगर मेरे सर पे कुछ गिर गया तो वो मेरे सर को इंजुरी कर सकता है ना, तो ये मेरा आउटर पार्ट था। और नॉन रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी में इतना ही फर्क है, रेस्पिरेटरी मास्क जो है यानी पीपीई है वो मेरा इनर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैस से बचाता है या कंटेमिनेटेड एयर से बचाता है, और जो मेरा नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई है वो मेरे आउटर पार्ट की हिफाजत करता है इंजुरी से। तो अब उसका एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ यानी नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई का। जैसे हो गया हेलमेट, हमारे सर को बचाता है, आँख को बचाने के लिए सेफ्टी गॉगल्स हो गया, कान की हिफाजत के लिए ईयर प्लग एंड ईयर मफ्स हो गया, है ना, यहाँ पे जैकेट हो गया, एप्रॉन हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया और सेफ्टी शूज हो गया। ये सारा एग्जांपल था नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई का। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।